Yes, the emperor approached him and said, "I have visited you, rational ascetic. To get answer the three question." अब वो राजा क्या कहता है किसको, हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि यही साधु महात्मा, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, क्यों तीन क्वेश्चन के आंसर के लिए। हाउ कैन आई नो द बेस्ट टाइम टू डू द राइट वर्क, मैं कैसे जान पाऊँगा कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, एंड विच मैटर आर असेंशियल, और सबसे ज़रूरी काम, जरूरी मामले क्या होते हैं। द हर्मिट अटेंटिवली हर्ड द एम्परर बट डिड नॉट रिएक्ट एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब जो साधु होता है वो ये सारी बात राजा की सुन रहा होता है ना, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और अपना काम करता रहता है, खुदाई करता ही रहता है। द एम्परर सेड, यू आर टायर्ड, गिव मी द स्पैड एंड अलाउ मी टू रिप्लेस यू इन द वर्क। अब राजा उसको क्या कहता है, साधु को, कि आप शायद आप थक गए हैं, आप मुझे अपनी स्पेड का मतलब होता है जिस जो खुदाई करने के लिए काम में आता है, औजार उसको कहते हैं। तो वो क्या कहता है राजा, कि आप शायद थक गए हैं, आप मुझे अपनी स्पेड दे दीजिए और आपकी जगह अब मैं आपका काम करता हूँ। द एसेटिक थैंक्ड हिम व्हाइल हैंडलिंग हिज स्पेड टू द एम्परर एंड देन रेस्टेड ऑन द ग्राउंड। अब क्या करता है जो साधु होता है, वो उसको धन्यवाद देता है कि ठीक है, और अपनी जो स्पैड होती है वो उस राजा को दे देता है और ज़मीन के ऊपर रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। व्हेन द एम्परर हैड डग टू रोज, अब जब राजा क्या कर लेता है, दो रो खोद देता है। ही पॉज्ड एंड अगेन आंसर्स हिज क्वेरी, फिर वो रुक जाता है, पॉज मतलब रुक जाता है और वापस से अपने क्वेश्चन पूछता है। द एसेटिक गेव हिम नो रिप्लाई बट स्टूड अप, अब जो साधु होता है वो उसको कोई जवाब नहीं देता और खड़ा हो जाता है। पॉइंटिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड, अपना इशारा, उंगली का जो इशारा है वो स्पैड की तरफ करते हुए बोलता है, नाउ यू टेक रेस्ट, कि अब तुम आराम करो, एंड लेट मी डिग द ग्राउंड, और अब मुझे ग्राउंड को क्या करने दो, खोदने दो, ऐसा वो कहता है। व्हेन द एम्परर हैड डग टू रोज, सॉरी नाउ टेक द रेस्ट, डिग मी द ग्राउंड, बट द एम्परर डिड नॉट हैंडेड हिम टू स्पेड एंड गो ऑन डिगिंग बाय हिमसेल्फ। जब साधु कहता है कि वाह ऐसा करो, तुम अब थक गए हो, अब मुझे दे दो, मैं खोदता हूँ, इशारा करते हुए, लेकिन राजा क्या करता है, वो उसको स्पैड को नहीं देते हैं और खुद ही अपना खोदते रहते हैं। एन आवर पास्ड, एक घंटा बीत गया, देन टू, उसके बाद दो घंटे बीत जाते हैं। द सन सेट बिहाइंड द ट्रीज एंड फाइनली द एम्परर ग्राउंडेड द स्पैड एंड सेड, अब क्या होता है, सूरज डूब जाता है, पेड़ के पीछे सूरज आ जाता है, यानी कि शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई है, लेके फिर अब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो फाइनली राजा क्या करता है, उस स्पेड को ज़मीन पर रखता है और कहता है, आई केम हियर इनलाइटेंड मैन, अरे विद्वान व्यक्ति, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ टू गेट आंसर टू माई क्वेरीज, अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। इफ़ यू कांट गिव मी एनी आंसर, यदि आप मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेट मी नो, आई विल गो बैक होम, तो ठीक है आप मुझे कह दीजिए कि आप मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। समवन इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स अस रनिंग, सेट द एसेटिक, अब साधु क्या कहता है, देखो देखो कोई ना कोई जोर से हमारी तरफ आ रहा है। ये यहाँ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर। The emperor looked behind and a man with beard coming toward them. राजा पीछे की तरफ देखता है, जैसे ही साधु उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट की लास्ट लाइन क्या है, साधु कहते हैं कि अरे अरे देखो देखो कोई ना कोई हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, वैसे ही राजा पीछे की तरफ देखते हैं, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़कर आ रहा होता है। His hands were pushing against his abdomen from which blood was coming. वो अपने हाथों से अपने पेट को दबा रहा होता है ना, क्योंकि क्या होता है, उसके वहाँ पेट के वहाँ से बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है, खून निकल रहा होता है। On reaching the emperor, he lost
कॉन्शियसनेस एंड प्लैटर्न ऑन द ग्राउंड. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, वो उसको जो कोई सुधबुद्ध नहीं रहती है, वो बेहोश सा हो जाता है और ज़मीन के ऊपर गिर जाता है. द एम्परर एंड द एसेटिक टुक आउट द मैन क्लोथ्स एंड सॉ अ डीप कट इन हिज एब्डोमन. अब राजा क्या करते हैं, उस और राजा और साधु जो हैं वो उसके कपड़ों को देखते हैं, कपड़ों को उठाते हैं, क्या देखते हैं कि पेट पर एक बहुत ही गहरा कट है. द एम्परर क्लीन एंड रैप्ड द कट विथ हिज स्कार्फ बट द ब्लड डिड नॉट स्टॉप कमिंग आउट. अब राजा क्या देखते हैं, क्या करते हैं कि अपना जो स्कार्फ होता है उनका खुद का, उससे क्या करते हैं कि जहाँ से खून आ रहा होता है उसको साफ करते हैं और उसको बांध देते हैं, लेकिन खून फिर भी रुकना बंद नहीं होता है. द एम्परर अगेन रैप्ड द कट टिल द ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप कम्प्लीटली. वापस से राजा बांधते हैं जब तक कि उसका जो खून का बहना है वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाता है. ठीक है. द मैन फेल्ट फाइनर एंड आस्क समथिंग टू ड्रिंक. जब जो आदमी था वो कुछ अच्छा महसूस करता है तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द एम्परर ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम. तो राजा ताज़ा पानी उसके लिए लेकर आते हैं, साफ सुथरा, और उसको पीने के लिए देते हैं. मीन वाइल द सन डिस अपियर्ड एंड ब्रिज वॉज सूथिंग. अब इतनी सारी कहानी हुई, पहले तो क्या हो रहा था जब राजा खुदाई कर रहे थे तब तो क्या था कि सूरज पेड़ों के पीछे आ गया था, लेकिन जैसे ही आदमी आया, ये सारी कहानी हुई, तो क्या हुआ, सूरज बिल्कुल छिप गया. और ठंडी ठंडी, सूथिंग का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा बहने लग गई, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी. द एम्परर विद द एसेटिक सपोर्ट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू अ हट एंड रेस्टेड हिम ऑन द बेड. अब कौन कौन, राजा और साधु दोनों मिलकर उस जख्मी आदमी को अपनी झोंपड़ी के अंदर लेके गए और उसको बेड के ऊपर रेस्ट कराया. द मैन क्लोज्ड हिज आई एंड ले क्वाइटली. आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप सो गया. द एम्परर ड्रेन्ड बाय हिज वॉक एंड लेबर सेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वॉज फास्ट एस्लिप देयर ऑल नाइट. राजा क्या हुआ, खुद इतना चला, उसने इतनी मेहनत करी, खुदाई करी, वो जैसे ही ज़मीन पर बैठा उसको तो गहरी नींद आ गई, वो सो गया रात भर के लिए. When he rose, जब वो उठा, it took a few minutes to recall the place and the strange man with beard resting on the bed. अब क्या था, राजा इतने थके हुए थे कि उनको तो जैसे ही वो ज़मीन पे बैठे उनको तो नींद आ गई गहरी. अब वो सुबह जब उठे तो क्या हुआ, दो मिनट उनको ये सोचने में लगे कि वो कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, और ये जो आदमी है मेरे सामने ये क्यों है, कैसा है ना, ये सब रिकॉल करने में उनको दो मिनट का समय लगा. उन्होंने उस आदमी को भी देखा. प्लीज़ फॉरगिव मी, सेड द मैन विद बियर्ड इन ए फेंट विस्पर व्हेन ही फाउंड दैट द एम्परर वाज अवेक्ड. अब क्या कहते हैं, वो जो आदमी होता है जो बेड पे सोया हुआ होता है, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. जैसे ही वो देखता है कि राजा उठ गए तो वो धीरे से, विस्पर मतलब धीरे से बोलना, तो धीरे से बोलता है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, वो ऐसे दो तीन बार बोलता है. You are a strange for me and have nothing to forgive you for, the emperor said. अब राजा क्या कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए बहुत अजनबी हो और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें माफ़, मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ़ करूं, है ना. अब देखो आदमी क्या कहता है, You are unaware about me. आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you. लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ. I am your rival who sworn vengeance on you because you killed my brother and annexed my estate. क्या कहता है वो कि मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था, है ना, और हमारी सारी प्रॉपर्टी थी, धन दौलत थी, वो आपने ले ली थी. I was informed that you had gone unattended to meet that ascetic. जब मुझे पता पड़ा, I was informed का मतलब जब मुझे पता पड़ा कि आप बिना किसी सेना के किसी एक साधु से मिलने जा रहे हैं,
तब आई डिसाइडेड टू किल यू ऑन योर वे बैक होम. तो मैंने क्या सोचा कि जब आप वापस घर आएंगे तब मैं आपको अकेले में आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट वेंट बैक. लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, सो आई केम आउट टू माई हाइडिंग प्लेस. तब मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला एंड केम अक्रॉस वन ऑफ योर अटेंडेंट. तो आपके जो जो अटेंडेंट का मतलब होता है ना, जो आपके साथी आपके साथ थे, आपका ध्यान रखने वाले, क्या बोलते हैं उसे, अटेंडेंट जो ध्यान रखने के लिए थे, सेना वाले, सेनापति वगैरह. तो उन्होंने, एक ने मुझे देख लिया, वो आइडेंटिफाई मी एंड इंजर्ड मी. उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मारा. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट वुड नॉट बी अलाइव इफ यू हैड नॉट रैप्ड माई कट्स. मैं छुपा है ना वहाँ से, उनसे भागा, और यदि आप मुझे नहीं, मेरे कट्स को या मेरे घावों को इस तरह से रैप करते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता. आई इंटेंड टू किल यू बट यू सेव्ड माई लाइफ. मैंने आपको मारने की सोची थी लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है. नाउ इफ आई स्टे अलाइव, यदि अब मैं जिंदा रहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व यू एज योर मोस्ट लॉयल स्लेव एंड विल बी बाय माय सन टू डू द सेम फॉर गिव मी. अब वो क्या कहता है कि यदि मैं अब आगे भी जिंदा रहा तो मैं आपकी ज़िंदगी भर, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं आपकी वफादारी से आपकी गुलामी करूँगा, और मेरे जो बच्चे हैं वो भी आप मेरी तरह ही आपकी गुलामी करेंगे. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द एम्परर वॉज ओवरजॉयड टू हैव रिकनसाइल्ड विथ हिज रिवाइल सो ईजीली. अब जो राजा था उसको बड़ी खुशी हुई है ना कि भाई इस तरह के लोग भी हैं, और उसे वो सारी बात भी याद आ जाती है, मेड हिम हिज फ्रेंड. तो राजा क्या करता है, उसको अपना दोस्त बना लेता है. ही नॉट ओनली पार्डन हिम बट ऑल्सो प्रोमिस टू सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन फिजिशियंस टू टेक केयर ऑफ हिम. वो उसको केवल माफ़ी नहीं करता है, वो क्या कहता है, अपना फ्रेंड बना लेता है, इसलिए वो केवल उसको माफ़ी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको कि मैं तुम्हारे यहाँ पर अपने नौकर भेजूँगा और मेरे यहाँ का जो डॉक्टर है उसको भी भेजूँगा तुम्हारी टेक केयर एंड देखभाल करने के लिए. एंड ऑल्सो इश्योर टू रिटर्न द मैन हिज स्टेट. और क्या आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास में है वो तुम्हें वापस कर दी जाएगी. लिविंग द इंजर्ड मैन द एम्परर केम आउट ऑफ द हार्ट एंड सर्च फॉर द एसिटी. अब उस इंसान को जो जख्मी आदमी था उसको अंदर ही छोड़ते हुए, झोंपड़ी में ही छोड़ते हुए राजा है वो बाहर आते हैं और वापस से वो साधु की को ढूंढते हैं. बिफोर रिटर्निंग बैक ही वॉन्टेड टू ट्राई वन मोर टाइम टू गेट आंसर टू हिज क्वेरीज. अब वो कहते हैं कि अब मैं घर तो जा ही रहा हूँ, महल तो जा ही रहा हूँ, तो एक बार क्यों ना मैं एक बार और ट्राई कर लूँ कि अपने आंसर्स का पता लगाने के लिए. द एसेटिक सिटिंग ऑन हिज नी वॉज इम्प्लांटिंग द सीड्स इन अ रो दैट वर डग द प्रीवियस डे. अब राजा क्या देखते हैं कि वो साधु क्या कर रहा है कि एक दिन पहले जो खोदे थे खड्डे, रोज जो खोदी थी, उनमें वो क्या कर रहे हैं, सीड्स डाल रहा है साधु जो है, वो सीड्स बीज डाल रहा है. द एम्परर वॉक टूवर्ड्स द एसेटिक एंड सैड. अब राजा उसके पास जाते हैं, साधु के पास, और कहते हैं फॉर द लास्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू टू आंसर माई क्वेरीज रैशनल मैन. प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे अंतिम बार अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा हूँ, हे महात्मा आप मुझे उनका जवाब दें. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड replied the ascetic while bowing the ground and glanced at the emperor standing in front of him. अब साधु अब बोला, वो क्या बोलते हैं, साधु क्या बोलते हैं, राजा को घूरते हुए, राजा को ग्लैंस एक टक टक नज़रों से देखते हुए बोलते हैं कि आपको तो इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, है ना, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं. और ग्राउंड पे वो जब खोद बो रहा होता है चीज़ें तब वो ऐसा बोलता है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड,
वॉट आर यू ट्राइंग टू से, आप क्या कहना चाह रहे, कैसे मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए। डिडंट यू सी, रिप्लाइड द एसेटिव। अब साधु क्या कहता है, आपको नहीं लगा ऐसा कि आपको उन सवालों के जवाब मिल गए। इफ़ यू हैड नॉट सिंपथाइज ओवर माई फैगेलिटी द डे बिफोर एंड हैड नॉट डग दिस रोज फॉर मी, यू वुड हैव रिटर्न बैक। अब देखिए वो क्या बताते हैं कि कल आप आए थे यहाँ पर, यदि आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती तो आप ये रोज़ खोदते नहीं, है ना, बिना खोदे ही आप अपने घर चले जाते। देन डैट मैन वुड हैव इन्वेडेड यू एंड यू वुड हैव रिग्रेटेड फॉर नॉट स्टेइंग विथ मी। तो वो क्या कहते हैं कि यदि आप कल आते ही और आप मेरे पे कोई दया दृष्टि नहीं रखते तो आप चले जाते, और फिर जो जिस इंसान को आपने आज माफ़ किया है वो व्यक्ति आपसे मिलता ही नहीं। देयरफॉर द बेस्ट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द रोज़, इसलिए सबसे सही समय क्या था, जब आप रोज़ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू हेल्प मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और मैं आपके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण आदमी था कि आपने मेरी मदद करी, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। लेटर व्हेन द मैन केम रनिंग टू अस द बेस्ट टाइम वॉज, अब ये हो गया एक वारदात का। दूसरी बात के लिए वो कह रहे हैं कि चलो बाद की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा था, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ कर आया था, ठीक है, बेस्ट टाइम वॉज When you were taking care of him, और आप उसकी देखभाल कर रहे थे, वो सबसे बेस्ट समय था। बिकॉज यू इफ यू हैड नॉट कवर्ड हिज कट्स यू ही वुड हैव डाइड, यदि आप उसके घावों को नहीं बांधते तो वो ज़रूर से मर जाता। विदाउट रिकॉन्साइलिंग विथ यू, बिना आपसे कोई भी माफ़ी मांगे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इसलिए वो बिल्कुल सही व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण आदमी है। एंड यू डूइंग फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और जो काम आपने उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। ऑलवेज रिमेंबर देर इज ओनली वन टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डैट इज़ नाउ। अब वो क्या कहते हैं कि याद रखो हमेशा कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो कौन सा समय है, अब, अभी। कहते हैं ना आज काल करे सो आज कर, यानी कि अभी जो हम सोचते हैं वो काम हमको उसी समय पर कर लेना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज इट इज़ द मोमेंट वी पॉजिस पावर टू एक्ट, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस समय में हमारे पास उस काम को करने के लिए पावर होती है, एक अलग सी, है ना, शक्ति होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन यू आर डीलिंग विद एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, और उस महत्वपूर्ण क्षण पर आप जिस व्यक्ति से उस समय मिल रहे हो या बात कर रहे हो, वो व्यक्ति आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है। बिकॉज नो वन इज़ अवेयर डैट वॉट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि अगले पल, अगले क्षण क्या होने वाला है। And if we are going to meet anyone them, और यदि हम उससे मिलने जा रहे हैं, the most necessary work is to do good with that person, तो हमें उस व्यक्ति के साथ अच्छा काम करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा important necessary काम होता है। Because we are here in this world for the pursuit only, क्योंकि हम इस धरती पर जो आए हैं वो हम अच्छाई फैलाने आए हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो डैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि राजा को किस तरह से 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए थे, और किससे मिले थे, अपने आप से ही मिले थे, ठीक है। सो रीड द चैप्टर 2-3 टाइम्स एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर्स, सो फाइंड इट। Thank you.